एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नायबी जो नेल एक्सटेंशन है उसका रिव्यू। तो जिसमें मुझे ये वाला कलर पसंद आया था तो मैंने ये वाला अपने लिए ऑर्डर कर लिया था। इसकी प्राइस मुझे 200 के करीब पड़ी थी। वैसे तो इनकी पास और भी काफ़ी कलर्स थे पर मुझे ना ये थोड़े से नेचुरल और काफ़ी अच्छे लगे तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। तो इसमें आपको टोटल 24 पीसेस मिल जाते हैं। बाय चांस आपसे एक आधा कभी गुम गया या टूट गया तो उसके लिए भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ना नेल का साइज़ छोटा बड़ा होता है तो हम अपने नेल के अकॉर्डिंग अपना साइज़ सिलेक्ट करके इसको लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो इसमें से पहले ना मैं अपने ना नेल के हिसाब से साइज़ निकालने के ना अलग रखती जा रही हूँ ताकि जो मेरी जिस फिंगर का जो साइज़ आ रहा है नेल का वो मैं साइड पे रख रही हूँ। फिर इसको बाद में मैं ग्लू के साथ अप्लाई करूँगी। इसके साथ ही हमें ग्लू मिलती है तो ग्लू की क्वांटिटी काफ़ी कम लगी मुझे। आप एक या हार्डली दो बार ही यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं थी इसकी क्वांटिटी। तो ये देखिए, इसको मैंने ना ग्लू को जो है डायरेक्ट नेल पे अप्लाई नहीं किया, उसको मैंने ना पहले मतलब अपनी फिंगर पे अप्लाई नहीं किया, उसको ना पहले मैंने जो हमें नेल मिले थे मैंने उस पर एक ड्रॉप डाला और उसके बाद मैंने अपनी नेल पे लगाया। और इसको ना अपने अच्छे तरीके से ना ऐसे दबा के प्रेस करना है ऊपर से ताकि जो ग्लू है ना और नेल है जो आपकी फिंगर पे अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए, कोई एयर गैप ना आए बीच में। अगर कोई एयर गैप आ जाता है बाई चांस तो उसका ना ये होता है कि वो नेल ना जल्दी निकल जाता है। बाय द वे, जैसे जो मैंने ये नेल्स लगाए थे ना ये मेरे 2 दिन चले थे, इसकी ग्लू मुझे काफ़ी अच्छी मिली। अदरवाइज़ हम जो मार्केट से परचेज़ करते हैं प्राइस उसका भी सेम ही रहता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के परचेज़ करते हो, पर जो उसकी ग्लू होती है ना वो एक दिन तो क्या आधा दिन भी नहीं निकलता हमारे नेल्स को, टूट के गिरते रहते हैं। मैंने घर का सारा काम किया ये नेल लगा के, पानी में भी हाथ लगाए पर फिर भी ना ये 2 दिन चले। गाइस आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। मैंने पूरा अपने एक हैंड पे कंप्लीट कर लिया नेल एक्सटेंशन और ऐसे ही सेम मैं अपने दूसरे हैंड पे अप्लाई करूँगी नेल्स को। मैंने इनमें से भी सारे अपने नेल्स के अकॉर्डिंग साइज़ निकाल के अलग रख लिए थे ताकि मुझे ना लगाते वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना हो। Thank you.
सो गाइज यहाँ पे हमारी नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। इसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि मैंने अपने नेल के अकॉर्डिंग जो नेल का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग सारे नेल्स निकाले थे, जिससे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने नकली एक्सटेंशन लगा रखा है। बिल्कुल मेरे ओरिजिनल नेल्स लग रहे हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।